स्वागत है आप सभी का किरण एकेडमी के YouTube चैनल पर। अब हम लोग बहुत लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। एक बार सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। आप सभी को पता है कि SSC, CGL, CHSL, MTS बहुत सारी वैकेंसीज, बहुत सारे एग्जाम्स हमारे सर पर हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आप लोगों को रीजनिंग का जो परेशानी है उसको पूरे जड़ से समाप्त कर देते हैं। रीजनिंग के लिए बस आपको सिर्फ इतना ही करना है कि डेली एक प्रैक्टिस सेशन अटेंड करना है, और जो टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाय आनंद सर, उसको सबको ज्वाइन करके रखिएगा। वहाँ पर डेली हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया करेंगे। वो मॉक टेस्ट पहले आप लोग खुद से बनाइए, अगर उसके बाद से ये जो वीडियो है इसमें इसका सॉल्यूशन देख लीजिए तो आपका दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका रीजनिंग का अल्टीमेट सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए कैसे हैं आप सभी और क्या क्लासेस के लिए तैयार हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छे से चल रही है नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आप सभी की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होंगी, आप लोग जहां होंगे तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से होंगे। चलिए, गुड आफ्टरनून। हम लोग टाइम वेस्ट जरा सा भी नहीं करेंगे, सीधे हम लोग पहले मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की ओर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार प्रेम से माँ राधा रानी का नाम लेकर के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बताइए फटाफट से कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या होएगा। क्वेश्चन नंबर वन, लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए बताइए क्या क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है कि पासे के दो स्थितियों के आधार पर आपको ज्ञात करना है कि दिल के विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा। दिल है कि मानता नहीं, दिल। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है ये स्क्वायर, तो वन कॉमन के नीचे वन कॉमन, कॉमन से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये सर्कल डबल सर्कल फिर गुना का चिन्ह, कॉमन से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये सिंगल सर्कल और ट्रायंगल, यानी कि ये और ये अपोजिट हो गया, ये और ये अपोजिट हो गया। अब ये दोनों अपोजिट तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर मिसिंग क्या है? तो यहाँ पर मिसिंग है दिल वाला चिन्ह, यानी कि दिल के अपोजिट में क्या आ जाएगा, ये जो स्क्वायर का चिन्ह है वो आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना, बात समझ में आ गई तो हाँ बोलिए। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर बी, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर टू की ओर। क्वेश्चन नंबर टू में कौन लॉजिक को क्रैक करेगा, जल्दी से बताओ, कौन लॉजिक को क्रैक करेगा, जल्दी से बताइए कौन लॉजिक को क्रैक करेगा। क्वेश्चन नंबर टू का लॉजिक कौन क्रैक करेगा, जल्दी से बताइए। एक बार जो जहां पर होंगे शेयर करते हुए आइएगा, लॉजिक कौन बताएगा? बहुत खतरनाक सवाल है, बहुत खतरनाक सवाल है, बहुत खतरनाक लॉजिक है, कौन बताएगा इस लॉजिक को? TTS, ध्यान रखिएगा सबको, TTS में 12 से 1, TTS में 12 से 1 रीजनिंग की क्लास चलेगी, TTS में 12 से 1 रीजनिंग की क्लास चलेगी। तो सबको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा इस टाइमिंग को, और उस टाइमिंग पर सबको आ जाया करिएगा। चलिए बताइए, TTS 12 से 1 रीजनिंग की क्लास होगी, तीन सप्ताह में तीन दिन, मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी ही इसे हर दिन कर दिया जाए। इसका लॉजिक कौन बताएगा, लेडीज एंड जेंटलमैन? बुझो तो जाने। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या 144 को देख के आपके अंदर कुछ फीलिंग आ रहा है, दिल गुदगुदा रहा है कि यह सर ये तो 12 है। अच्छा, 12 से 5 कैसे बनाया जा सकता है, 12 से 5 कैसे बनाया जा सकता है? मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 5 बन गया। 961 किसका स्क्वायर है, 31 का। अब जो काम यहाँ किए थे वही काम यहाँ करेंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10। मज़ा आ गया तो एक बार सबको यहाँ बोलिए, अच्छे लेवल के सवाल मैं आपसे करवाऊंगा, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन एनालॉगी का सवाल है, एनालॉगी का नॉलेज बेस्ट होता है, बताइए। देखो फ्लोरिडा जो है ना मेजर प्रोड्यूसर, अब यहां पर नॉलेज का खेल है, फ्लोरिडा जो है वो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑरेंजेज है, फ्लोरिडा जो है वो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑरेंजेज है, तो पाइन एप्पल का मेजर प्रोड्यूसर, अब यहां तो नॉलेज का खेल है,
नॉलेज का खेल है। तो वो कहाँ पर रहता है? ऑरेंज सबसे ज़्यादा हवाई में होता है। बात समझ में आ गई तो हाँ बोलिए, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक साथ आपको दिखाई पड़ने वाला है, एक बार सबको फटाफट से शेयर करते हुए आइएगा। चलिए बताइए फटाफट से, फटाफट से सबको एक बार शेयर करते हुए आइएगा और लाइक का बटन दबाते चलिएगा। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय आनंद सर में इस वीडियो को शेयर कर दिया है, आप भी जहां होंगे वहां से वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन के आंसर पर आ जाइए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है रीजनिंग बाय आनंद सर, तो जो लोग टेलीग्राम पर होंगे वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है रीजनिंग बाय आनंद सर, रीजनिंग बाय आनंद सर, रीजनिंग बाय आनंद सर। अब चलिए लॉजिक ढूंढते हैं। तो ये क्या है भाई, 1 का क्यूब प्लस 1, ये 9 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस 1, ये क्या है, 3 का क्यूब प्लस 1, तो अगला क्या आने वाला है, 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 65। गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, किट कैट को क्या लिख रहा है, कैट टिक, मतलब लास्ट वाले को एज इट इज रख दिया, तो तुम भी इसका जो लास्ट वाला सेक्शन इसको एज इट इज रख दो तो क्या बन जाएगा, टॉप। अच्छा, किट को क्या कर दिया, टिक कर दिया, तो पेन को क्या कर दो, तुम भी नेप कर दो, तो आंसर क्या बन जाएगा, टॉप नेप। हाँ या ना, अरे हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होएगा, M का रैंक 13, N का 14, A का 1, C का 3, T का 20, W का 23, तो 13 + 1 + 2 + 3, तो A का 1 1 + 1 2 2, यानी कि B, फिर क्या करना था, +2, तो P का 16 16 + 2 18, 5 + 3 8 8, यानी कि H, आंसर क्या बनेगा, BRH, ऑप्शन नंबर 2। हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या इसका आंसर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 7 का, चलिए राव अवधेश, सरिता कुमारी, जितने लोग हैं बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, भगवान आपको खुश रखे, आप पर खूब अपना आशीर्वाद बनाए रखे, आप जीवन में जल्दी से सफल हो। चलिए तो एक बार लाइक का बटन सबको दबा दीजिएगा, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और शेयर करने में तनिक भी कंजूसी ना करिए। आप जहाँ कहीं भी हैं, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सअप पर, है ना, जहाँ जिस भी एजुकेशनल ग्रुप में हैं, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हैं, आपके साथ के जो दोस्त होंगे अगर वो तैयारी कर रहे होंगे CGL का, CHSL का, MTS का, CPO का, JSSC का, तो उन लोगों के साथ भी वीडियोज को शेयर करिए ताकि वो लोग भी मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, चार्ज के नाम पर आपको बस इतना ही है कि आपका डेटा यूज होगा, और मेरे लिए गुरुदक्षिणा ये होगा जितना आप शेयर करिएगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए पुष्पा, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझाए क्या, फायर है मैं, फायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। तो देखो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, प्लस क्या कर दिया है, 6, तो 349 हो गया। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये 6 का क्या लॉजिक था, 6 का तो 7 - 1, तो 11 का 1331, इसमें क्या ऐड करेंगे, 11 - 1 11 - 1 यानी कि 10, तो 1331 + 10 कितना हो जाएगा, 1341। मजा आ गया। चलिए चंदन प्रसाद, बिंदास राय, रॉय अवधेश, सबका आंसर एकदम सही है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, लेडीज एंड जेंटलमैन बताइएगा जल्दी से,
68 का संबंध 18 से है तो 72 का संबंध किससे होगा। अब ये आप 68 से 18 कैसे बनाइएगा, आपका सारा फोकस इसी पर होना चाहिए। आप 68 से 18 कैसे बनाओगे, 68 से कैसे बनाओगे, बहुत शानदार सवाल है, बहुत बहुत शानदार सवाल है, सुपर्ब। इसमें जो लॉजिक लगेगा सुपर्ब, बोले तो झकास। देखते हैं कितने लोगों का दिमाग, कितने लोगों पर माँ सरस्वती ने अपना कृपा बनाए रखा है, कितने लोग एसएससी सीजीएल में रीजनिंग में 50 में 50 लाने के लिए तैयार हैं। तो यह आपकी तैयारियों का परीक्षा है, यह आपकी तैयारियों का टेस्ट है। बताइए, भरपूर माइंड पर फोकस करो कि आखिर 68 से 18 कैसे बना सकते हैं, 68 से 18 कैसे बना सकते हैं। किसी का आंसर अभी तक नहीं आया, बताइए जल्दी से, 68 से 18 कैसे बना सकते हैं। बोलो 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 बोलो, चलो आ जाओ, सुनो, रहने दो। 68 को उल्टा करो, 68 को उल्टा करो, मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से। तो 68 को उल्टा करेंगे 86, अब 86 में इसका ओरिजिनल नंबर घटा दो तो 18 आ जाएगा। 72 को उल्टा करो तो कितना हो जाएगा, 72 और उल्टा कर दो तो 27, 72 में से 27 घटाएंगे, 12 में से 7 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 45। लॉजिक क्या बन रहा है कि ओरिजिनल नंबर और इसके रिवर्स का डिफरेंस, ओरिजिनल नंबर और इसके रिवर्स का डिफरेंस, ओरिजिनल नंबर और इसका रिवर्स, तो 72 का उल्टा 27, इन दोनों का डिफरेंस 45। मज़ा आ गया तो एक बार लाइक का बटन सबको दबा दीजिएगा। सरिता कुमारी का आंसर भी आया, गीता किस पोटा। जितने लोग आते जा रहे हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9, क्या लॉजिक लग रहा है, क्या आपको लॉजिक दिख रहा है बताइए सबको। ए डी बी सी को क्या लिख रहा है, डब्लू जेड एक्स वाई। देखो इसमें कर क्या रहा है, ध्यान से देखो, ए का उल्टा जेड, क्रॉस पैटर्न चल रहा है, क्रॉस पैटर्न चल रहा है, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, तो लिखना किसको है, ई एच एफ जी, क्रॉस पैटर्न लगा दो, एच का उल्टा एस, ई का उल्टा भी, जी का उल्टा टी और एफ का उल्टा यू। आंसर क्या बनेगा, एस भी टी यू, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चंदन प्रदास प्रसाद बिंदास बॉय, जितने लोग हैं सबका सही आंसर आ रहा है। चलिए आइए अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहां पर आपको यह सोचना है कि 4 से 18 कैसे बना सकते हैं, क्या लॉजिक हो सकता है, 4 से 18 कैसे बना सकते हैं, क्या लॉजिक हो सकता है, कौन बताएगा कि 4 से 18 का क्या लॉजिक हो सकता है। बहुत शानदार सवाल है, मजा ना आ जाए तो कहना, आज का क्लास जिसने मिस किया, और मैं इसी लेवल के क्वेश्चन, आपके सोचने का तरीका मैंने बदल दिया तो कहना, आपके सोचने के तरीके बदल जाएंगे। एक बार सब कुछ शेयर करो तभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, एक बार सब कुछ शेयर करो उसके बाद, और लाइक का बटन दबाओ, उसके बाद ही मैं इस क्वेश्चन का आंसर बनाऊंगा। एक बार सब कुछ शेयर करो और लाइक का बटन दबाओ तभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, जल्दी करिए फटाफट, डोंट बी डिले, सब कुछ शेयर करिएगा और लाइक का बटन दबाइएगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन दिमाग लगाएगा, आ देखें जरा किसमें कितना है दम, आ देखें जरा किसमें कितना है दम। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, देखते हैं। अब देखो
एक तो तरीका है 4 से 18 बनाने का कि आपको ये लगेगा कि 4 का स्क्वायर प्लस का 2। तो इस हिसाब से अगर 5 है तो 5 को किससे कनेक्ट करेंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस का 2। तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 27, 27 तो ऑप्शन में ही नहीं, मतलब ये वाला लॉजिक अप्लाई हो ही नहीं रहा है। तो फिर क्या करेंगे, अब देखो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू पता है तुमको, यूनिक सवाल है, यूनिक, आप बिना लाइक किए रह ही नहीं सकते। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 24, लेकिन ये तो 18 है। माइनस फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 6, यानी कि किया क्या है, जो लेटर है उसका फैक्टोरियल माइनस उसके पीछे वाले लेटर का फैक्टोरियल, मतलब हो क्या रहा है, फैक्टोरियल 4 मतलब माइनस फैक्टोरियल 3 बराबर 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 होता है और फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है। 120 में से 24 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 96। बोलो हाँ या ना, बोलो मज़ा आया या नहीं आया, एक बार हाँ बोल दीजिएगा सबको, यस सर मज़ा ही आ गया, बोलिए मज़ा आ गया तो एक बार सबको हाँ बोलिए फटाक से। आपको एकदम सुपर से ऊपर लेवल का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लॉजिक जो आपकी आंखें जो है ना चौंधिया जाएंगी आपकी आंखें, ऐसे ऐसे लॉजिकल सवाल मैं करवाने वाला हूँ। बोलो मज़ा आ गया, किशन श्याम विमल, गजब गजब गजब, चलो ठीक है अगले क्वेश्चन के लिए सबको तैयार हैं, आर यू गाइज रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा आपसी बातचीत से होता क्या है ना कि हम लोग का कनेक्शन बैठ पाता है, ठीक है, तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको अलग क्या है वो पता करना है, ये तो एक सेकंड का सवाल है, बात करना, टहलना, स्लीपिंग और रनिंग, इसमें अलग क्या है बताइए सबको। बताइए जल्दी से, पिंटू कुमार 96 बिंदास वॉय सुपर, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो, स्लीपिंग, क्योंकि स्लीपिंग को छोड़ के बाकी जो है सब में कुछ ना कुछ एक्शन इन्वॉल्व होता है। स्लीपिंग में कहाँ कोई एक्शन है, ये तो डॉर्मेंट एक्शन है ना, रुका हुआ एक्शन है, इसमें तो एक्शन इन्वॉल्व है। सर क्लास का टाइम क्या है, क्लास का टाइम है टीटीएस में 12 से 1, TTS में 12 से 1, तो सबको आ जाइएगा, आना ना भूलिएगा। आपको अच्छे लेवल के SSC, CGL, CPO, MTS, CHSL, JSSC सबका भरपूर प्रैक्टिस का क्लास मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, क्योंकि बाकी सब में कोई एक्शन इन्वॉल्व नहीं है इसमें कुछ न सॉरी बाकी सब में कुछ न कुछ एक्शन होता है, इसमें कोई एक्शन नहीं होता, तो आंसर विल बी सी। आ जाइए अगले सवाल में, दो सवाल एक साथ हैं लेकिन आप एक एक करके ही आंसर दिमाग लगाइएगा, पहले आप दिमाग लगाइए क्वेश्चन नंबर 12। एक बार सबको शेयर जरूर करिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयरिंग इज केयरिंग, लाइक तो आपके ऊपर निर्भर करता है लेकिन एक बार शेयर करिए, क्योंकि आई विश कि सबको शेयर करें। अच्छा यहाँ पर डिफरेंस ढूंढो, तो इसमें 23 जोड़ेंगे तो 1046 हो जाएगा, 69 प्लस 23, इसमें भी 23 जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा, 94, 6 और 17 यानी कि यहाँ भी 23, 99, यहाँ तो 22 ही ऐड करना है ना, तो आंसर क्या बन जाएगा, डी, क्योंकि बाकी सभी में सेकंड वाला नंबर पहले नंबर से 23 ज़्यादा है, इसमें सिर्फ 22 ज़्यादा है। 13 नंबर में आ जाइए, 49, 16, 81, 243। अब देखो 49 क्या है, 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, लेकिन ये तो 7 का क्यूब होता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आ जाइए अगले सवाल में, बताइए आइसिंग का संबंध अगर केक से है तो रिबन का संबंध क्या है, किसके साथ बनेगा, रिबन का परफेक्टली संबंध किसके साथ बनेगा, अच्छा आइसिंग जो होता है ना केक को डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता है, केक को सजाने के लिए क्या करते हैं, आइसिंग करते हैं, तो रिबन को किसके सजाने के लिए यूज करते हैं, तो कोई भेंट होता है, कोई गिफ्ट होता है, गिफ्ट को सजाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, रिबन का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह से केक को सजाने के लिए आइसिंग करते हैं
उसी तरह से प्रेजेंट को सजाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिबन का इस्तेमाल करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15, बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा। पैरोट, बैट, क्रो और स्पैरो। पैरोट, बैट, क्रो और स्पैरो, आंसर क्या बनेगा? अच्छा देखो, बैट को छोड़कर सभी पक्षी हैं, बैट मैमल होता है, नॉलेज बेस्ट है। बैट जो होता है, चमगादड़ जो होता है, वो मैमल होता है, बाकी सब क्या है, बर्ड्स के कैटेगरी में आते हैं। अधिकांश लोगों ने सही आंसर दिया भी है, बहुत बहुत बधाई। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16, क्या आंसर बनेगा? डी का उल्टा डब्लू, एच का उल्टा एस, बी का उल्टा वाई, डी का उल्टा डब्लू, ई का उल्टा भी, जे का उल्टा क्यू, लेकिन सी का उल्टा तो डब्लू होता ही नहीं, तो अलग क्या हो गया इसमें, अलग तो यही। चलिए वेरी गुड, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17, ट्रेटी अलायंस, तो पड़ाव या बाई वीक, क्या संबंध किसके साथ बनेगा? तो ट्रीटी इज सिनोनिम ऑफ अलायंस, समझौता और गठबंधन एक दूसरे के समानार्थक है, तो पड़ाव और क्या एक दूसरे के समानार्थक है? शिविर। अरे पड़ाव और शिविर, पड़ाव मतलब क्या होता है, तम्बू टान के जहां पर रहते हैं उसको पड़ाव बोलते हैं, और शिविर भी, तो दोनों का सेम मीनिंग है, सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 18, बताइए इसमें अलग क्या है? तो गौर से देखना, इसमें बहुत ज्यादा ज्यादा लेटर है, बी एक छोड़ के सी, एक छोड़ के डी, एल एम एन, एन ओ पी, एक एक छोड़ के, लेकिन वाई के बाद तो यहां जेड होना चाहिए था, यही अलग हो गया, काम खत्म। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19, निम्न शब्दों को वर्णमाला के क्रम से व्यवस्थित करने के बाद तीसरा शब्द, तो जिसका कॉमन को मैंने काट कटाओ, कहां तक कॉमन है, पी आर ओ, पी आर ओ तो सब में कॉमन है, पी आर ओ सब में कॉमन है, अब पी पी पी, तो ये पी वाला भी इन तीनों से कॉमन निकल गया, आर ओ ओ, तो पहले तो ओ वाला आएगा, तो ये दोनों खत्म। अच्छा पहले तो पहला दूसरा यही दोनों होगा, तीसरे नंबर पर यही आएगा, पहला दूसरा तो वो होगा, हमको तीसरा से मतलब है, तीसरा पर यही आएगा, ये तो चौथा नंबर पर आ जाएगा, तो हमारा आंसर बनेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा, प्रोस्पेरिटी। चंदन प्रसाद बिल्कुल सही आंसर है। एक बार आप लोग लाइक और शेयर जरूर किया करिए, थोड़ा सा हमें भी कॉन्फिडेंस आता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग पहुंच गए, मैं आपका टाइम बिल्कुल ही वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, एकदम रैपिड फायर हम लोग खेलेंगे, 25-30 मिनट 40 मिनट का ऐसे ही वीडियो जो रहेंगे, बहुत लंबे लंबे वीडियो नहीं रहेंगे। बताइए, अच्छा सवाल है, रैंकिंग का सवाल है, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 15वें और बी दाएं से 4थे स्थान पर, ये लेफ्ट एंड होता है, ये राइट एंड होता है, तो ए बाएं से 15वां, इधर से काउंट करेंगे तो ए जो है वो कितने नंबर पर आ रहा है, 15, और बी दाएं से 4था, बी जो है राइट साइड से कितने नंबर पर आ रहा है, 4। ए और बी के बीच में तीन लड़के हैं, 1 2 3 लड़के ए और बी के बीच में, सी ए के एकदम बाएं हैं, तो ए के एकदम बाएं सी है, यानी कि सी लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर आ जाएगा, 14वां नंबर पर, सी का दाएं से क्या स्थान है? अब चलो सर एक चीज समझिए, इस लाइन में टोटल लोग कितने हो गए, टोटल तो यहां से यहां तक 15, यहां से यहां तक 4, तो 15 4 19, और बीच में कितने थे, 23, बीच में 3 थे, तो टोटल कितने लोग हो गए, टोटल 22 हो गए, 22 हो गए, और ए लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर है, 14, ए जो है लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर है, 14, तो राइट साइड से ए का रैंक क्या होगा, यही तो पूछ रहा है, राइट साइड से, तो देखिए राइट बराबर होता है टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट, टोटल है 22 अभी निकालें, प्लस 1 23, माइनस लेफ्ट से उसका है 14, तो 23 में से 14 गया 9। एक तो ये फॉर्मूला वाला कहानी हो गया, दूसरा ऐसे भी जरा सोच के देखो ना, क्या नहीं आंसर आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा, टोटल 22 है और यहाँ तक 14 है,
मतलब इसके बाद कितने लोग रहे होंगे? अगर टोटल इस लाइन में 22 लोग हैं और यहाँ तक 14 है, तो इसके बाद और 8 लोग रहे होंगे, तो इसके बाद ना 8 है, इधर से काउंट करेंगे तो ये 9वें नंबर पर आएगा, हाँ या ना? काउंट करेंगे तो वो 9वें नंबर पर आएगा। बोलिए, अगर किसी को समझ में ना आया हो तो बताइएगा, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल में, बताइए। ये तो आंखों का खेल है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके करके, और आंखों के खेल में तो आप लोग माहिर हैं, टॉप क्लास है। एक बार शेयर करिए, 50-100 लोगों तक कम से कम लाइव आ जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या बोल रहा है? नहीं बनाया जा सकता। कौन सा नहीं बनेगा? मिरेकुलस, मिरेकुलस बोलो, कौन सा नहीं बनेगा? ये हम आपके लिए, मिरेकुलस से क्या नहीं बनेगा? बोले आप देखो, ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ई है और यहाँ कहीं ई है ही नहीं, बस खत्म बात। 21 का सी आ जाइए। अब ये देखो 22, प्रश्न आकृति नहीं थे, आंखों का खेल है। ये वाला फिगर आपको किस में दिखाई दे रहा है बताइए? ये वाला फिगर आपको किस में दिखाई दे रहा है बताइए? ये तो आंखों का खेल है। ये वाला फिगर किस में दिखाई दे रहा है? आंखों का खेल है, जल्दी से खेलिए आंखों का खेल, आंखों का खेल है, जल्दी से खेल जाओ। चलिए वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा? 22 का डी। देखो तो ये फिगर दिख रहा है, देखो यहां पर दिख रहा है, दिखा 22 का डी, ये आंखों का खेल है, इसको एम्बेडेड फिगर बोलते हैं। हाँ, अब आ जाइए काउंटिंग ऑफ फिगर, इस वाले फिगर में कुल कितने वर्ग हैं, स्क्वायर है बताइए? इस फिगर में कुल कितने वर्ग हैं, कुल कितने स्क्वायर? कौन आंसर करेगा, जल्दी करो, कौन आंसर करेगा, जल्दी करिए। आई एम वेटिंग। चलिए एक आंसर आना शुरू हो गया। अब देखो कुछ कुछ बेसिक फिगर्स आपको जानने होते हैं, जैसे इस वाले फिगर में टोटल कितने स्क्वायर होते हैं? इस वाले फिगर में टोटल 5 होते हैं, और गौर से देखो तो यही वाला फिगर एक बार छोटा है, एक बार बड़ा है, और एक बार सबसे बड़ा है। तो एक में अगर 5 बनता है तो 5 इसके लिए बनेगा, 5 इसके लिए बनेगा, और 5 इसके लिए बनेगा, तो टोटल कितने वर्ग बन जाएंगे? 15 बन जाएंगे, हाँ या ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, कौन सॉल्व करेंगे? किसी पंक्ति में खड़े 5 व्यक्तियों में, एक पंक्ति है जिसमें कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5 लोग आर यू के दाएं तरफ हैं, तो यू जहां है उसके दाएं तरफ कौन है? आर। लेकिन क्यू के बाएं तरफ है, लेकिन आर जो है वो क्यू के बाएं तरफ है। पी क्यू के दाएं तरफ है, क्यू के दाएं तरफ कौन है? पी, लेकिन एस के बाएं तरफ है, खत्म तो हो गया। पंक्ति के मध्य में कौन खड़ा है? पंक्ति के मध्य में क्यू खड़ा है, पंक्ति के मध्य में कौन खड़ा है? क्यू खड़ा है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है बात समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल, इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेड सीरीज। अब यहाँ पर कहीं कहीं पर खाली है, इस खाली जगह में क्या भर दें कि हमारा ये सीक्वेंस जो है, ये सीरीज जो है कंप्लीट हो जाए, बताइए। तो सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं, 4, 4, 8, 4, 12 और 4 खाली जगह है, यानी कि 16। अब सुनिए, अगर 16 लेटर है तो 16 के लिए 99.99% चांस रहता है कि 4-4 का सीरीज बनेगा। तो जहां 4-4 पर स्लैश लगा दो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब पैटर्न ढूंढने का कोशिश करो, तो हम देख रहे हैं कि n के बाद n आ रहा है, n के बाद n आ रहा है, तो यहां भी n के बाद n आना चाहिए,
तो एक तो हमारा सीरीज मिल गया ना NNMM, क्या पता यही चल रहा हो, तो यही चल रहा है NNMM, 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 तो हमने क्या भरा, डबल एन डबल एम, डबल एन डबल एम, ऑप्शन नंबर सी। राव अवधेश, बिल्कुल सही, सुपर्ब, मजा आ जाए तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा और शेयर करते हुए आइएगा सबको, अपने अपने ग्रुप्स में जहां भी हैं शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाइए, सीरीज का सवाल है, बताइए इस सीरीज का सही आंसर क्या होगा। सॉरी, सही आंसर क्या होगा यानी कि आपको ढूंढना क्या है गलत संख्या। बताइए क्या आंसर होगा, दिमाग पर जोर डालिए, माथा खपाइए। देखो अल्टरनेट सीरीज चल रहा है, एक सीरीज चल रहा है अल्टरनेट, एक सीरीज चल रहा है 11, 20, उसका अल्टरनेट 40, उसका अल्टरनेट 74, और एक सीरीज चल रहा है 5, 12, 26, 14। तो एक एक करके सीरीज पकड़ते हैं, ये पहला सीरीज चल रहा है, ये दूसरा सीरीज, तो यहाँ पर देखो तो 5, 7, 12, 12 प्लस 14 26, 26 प्लस 28 54, तो 7 का डबल 14, 14 का डबल 26, यानी कि ये वाला सीरीज तो प्रॉपर है, ठीक चल रहा है। अब इस वाले सीरीज में आ जाओ, तो यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, यहाँ पर 20 का डिफरेंस है और यहाँ पर 34 का डिफरेंस है, तो 11, 9, 20 यानी कि 9 प्लस 11, यहीं पर कुछ गड़बड़ी है रे सांबा, यहीं पर कुछ गड़बड़ी है। अगर हम ये कर देते यहाँ से यहाँ 9, यहाँ 20 के जगह में 9 का डबल 18 कर देते तो 20 और 18 क्या हो जाता, 38, और फिर देखो 38 के हिसाब से 38 और 18 का डबल 36, 38 और 36 74 होता है, यानी कि सीरीज को डिस्टर्ब करने का काम कौन कर रहा है, 40, 9, 18, 36 हो जाता, लेकिन यहाँ पर 40 आ गया, 40 के जगह में अगर 38 होता तो सही सीरीज हो जाता, फिलहाल सीरीज में गलत क्या है। आई लव बिरयानी, चलिए आ जाइए बिरयानी लव करते हैं। 27 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27, बहुत शानदार सवाल है, मजा आ जाए तो कहना। एक बंदर प्रत्येक घंटे 30 फीट चढ़ता है और थोड़ी देर आराम करता है, अगले घंटे में चढ़ाई शुरू करने से पहले आराम करने के दौरान वह 20 फीट नीचे फिसल जाता है, अगर वह सुबह 8 बजे से चढ़ाई शुरू करता है तो जमीन से 120 मीटर ऊंचे। अच्छा देखो, सबसे पहला चीज, ये टोटल कितना मीटर का है, 120 मीटर का। एक काम सब थोड़ा सा समझना, अगर वो एक घंटा में 30 फीट चढ़ता है और अगले घंटे में 20 फीट वो फिसल जाता है, तो दो घंटे में, पहला घंटा में वो कितना चढ़ा, 30 फीट, दूसरे घंटे में वो कितना हुआ, यहाँ पर 30 प्लस हुआ और यहाँ पर 20 फीट वो फिसल गया, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए दो घंटे में वो कुल कितना चढ़ा, तो आप कहिएगा कि सर वो दो घंटा में कुल 10 फीट चढ़ा, दो घंटे में कितना चढ़ा, 10 फीट। लेकिन जरा सा दिमाग लगाना, जब वो यहाँ पर टॉप पर आने के करीब होगा, टॉप पर आने के करीब होगा, तो एक बार अगर पकड़ लेगा तो फिसलेगा नहीं, यानी कि लास्ट का जो एक घंटा यानी कि 30 फीट चढ़ा, वहाँ पर उसको कोई दिक्कत नहीं, फिर फिसलने का डर नहीं, यानी कि इसको संघर्ष करना है तो कितना दूर तक करना है, 120 और एक घंटा और 30 फीट माइनस कर दो, यानी कि जो इसकी फिसलन होगी वो 90 फीट तक होगी। अगर दो घंटा में 10 फीट, तो 10 का 90 नौ गुना यानी कि 9 से गुना करेंगे, तो दो घंटा में भी 9 घंटा गुना करेंगे, यानी कि 18 घंटे में वो कितना फीट चढ़ा, 18 घंटे में वो 90 फीट चढ़ा, और अगला 30 फीट चढ़ने में बस उसको एक घंटा लगेगा, यानी कि 18 प्लस एक घंटा 19 घंटा में वो टोटल चढ़ जाएगा। अब सुबह 8 बजे से चढ़ना शुरू किया है, 8 में अगर 19 जोड़ेंगे तो 8 में पहले 8 जोड़ो, 8 में 8 जोड़ोगे तो शाम का 8 बजेगा,
है ना। अच्छा, कुछ तो गड़बड़ है, आंसर नन ऑफ दिस में चला जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28, ब्लड रिलेशन का सवाल है। पी और क्यू भाई है, पी और क्यू दोनों क्या है, ब्रदर है। पी और क्यू भाई है, दोनों का दोनों मेल हो जाएगा। आर और एस बहने हैं, पी का पुत्र एस का भाई है। पी का जो पुत्र है वो कौन है, एस का भाई। पी का जो पुत्र है वो एस का भाई। और क्या बोला था, आर और एस बहने हैं, आर और एस ये दोनों की दोनों एक दूसरे की सिस्टर्स हैं। आर और एस बहने, आर का क्यू से क्या संबंध है, तो बताओ ना। क्यू के भाई की बेटी है, भाई की बेटी को भतीजी बोलते हैं। पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, ठीक है। आर एंड एस आर सिस्टर्स। पीज सन इज एस ब्रदर, पी का जो बेटा है वो एस का भाई है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, अच्छा तो आर के ये पिता हो गए और पिता के भाई चाचा है। यहां पर उल्टा बोल देता था, आर का क्यू से, क्यू का आर से होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, चाचा। बहुत कम अटेंडेंस होने लगा, चलो कोई बात नहीं, जिसको पसंद आएगा वो रहेगा। अगर असिस्टेंट को 36 लिखा जाए, मैनेजर को 34 लिखा जाए, स्टाफ को 14 लिखा जाए, तो डायरेक्टर को क्या लिखेंगे, बोलो। बहुत शानदार सवाल है। असिस्टेंट्स को 36 लिखने का क्या लॉजिक होगा, कौन बताएगा। बहुत शानदार, सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग सवाल है। तो देखो, असिस्टेंट में 36 लिखने का क्या लॉजिक, समझिएगा। असिस्टेंट में भोवेल कितना है, 1, 2, 3 भोवेल है। कॉन्सोनेंट कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर भोवेल कॉन्सोनेंट। अब देखो यहाँ भी वही चीज, मैनेजर में 1, 2, 3 भोवेल है, नंबर ऑफ भोवेल, और 4 क्या है, कॉन्सोनेंट। लिखना क्या है, डायरेक्टर। तो पहले नंबर ऑफ भोवेल्स, 1, 2, 3 तीन भोवेल है, कॉन्सोनेंट 1, 2, 3, 4, 5 आंसर विल बी 35। बोलो मजा आया कि नहीं आया, बोलो मजा आया कि नहीं आया। अरे हाँ तो बोल दो भाई, मजा आया तो हाँ बोल दो एक बार। बताइए क्वेश्चन नंबर 30। शब्द को रिवर्स क्रम में लिखने पर, चलो रिवर्स क्रम में लिख दो इसको, अगर रिवर्स क्रम में लिखेंगे तो क्या बनेगा, एस के सी ओ आर एस यू पी एम ए सी डी के। दाएं से छठे अक्षर, दाएं से छठा, 1, 2, 3, 4, 5 के बाएं से तीसरा, तो इसका बायां चलो 1, 2, 3 कौन सा लेटर आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड था, जैसा जैसा इन्फॉर्म कर रहा है वैसे वैसे फॉलो करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 31 बताइए, एक्स को क्या लिख रहा है, 183 एक्स, वाई को 365, जेड को क्या, 67 यहां बीच में क्या आएगा, बताइए। बहुत शानदार सवाल है। थ्री वन, तो 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। 3, 5, 5 का स्क्वायर 25 -3 3 का स्क्वायर 9 तो 16 हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49 -6 का स्क्वायर 36 49 - 36 कितना हो जाएगा, 13। शानदार सवाल है, मजा आ गया तो बोलो हाँ, अरे मजा आ गया तो बोलो हाँ, नहीं आया तो बोलो ना। क्वेश्चन नंबर 32,
किसी कूट भाषा में माउस को ये लिखा जाता है तो शिफ्ट को कैसे लिखा जाएगा? एम 13 पी 16 15 18 21 21 19 17 5 3 हो क्या रहा? 13 से 16 यानी कि पहले प्लस 3 फिर 0 फिर -2 -2 तुम भी वही काम कर दो। 19 और 3 22 8 और 3 11 आई एज इट इज 6 में से 2 गया 4 20 में से 2 गया 18 वी के आई डी आर वी के आई डी आर हो गया। आ जाइए जो गायब है उसको पता करना है। अल्टरनेट चल रहा है, देखो एम 13 ओ 15 आर 18 आई 22 क्या लॉजिक बन रहा है? +2 +3 +4 अगला क्या होगा? +5 22 5 27 पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, इसमें आ जाओ 2 4 6 8 13 14 15 16 24 23 21 है एच पी हो तो गया। अच्छा एक सेकेंड 24 -1 -2 -3 ठीक है 24 23 21 तो क्या हुआ -1 -2 अगला क्या होगा -3 तो 21 -3 क्या होगा 18 18 पर क्या आता है आर। आ जाइए 35 क्वेश्चन नंबर 35 खाली जगह की जगह में क्या आएगा बताइए। अल्टरनेट ढूंढो 13 11 24 24 11 35 35 11 46 46 11 57 खत्म 32 11 43 43 11 54 54 11 65 65 11 76 आंसर क्या बन जाएगा 54। आगे वन 9 16 22 27 और ई को 30 लिख दो फायदे में रहोगे 31 ई को 31 लिख दो तो लॉजिक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ +8 +7 +6 +5 +4 तो अगला क्या होगा +3 31 और 3 34 34 माइनस 26 8 8 यानी कि बोलो मजा आ रहा है। आ जाओ ब्लड ये सिलोगिज्म का सवाल ऑल कार आर बसेस सभी कार जो हैं वो क्या हैं बस हैं ऑल बस आर ट्रेन सभी बस क्या हैं ट्रेन सम ट्रेन आर कार ये पूरा का पूरा एरिया ट्रेन का है कुछ पार्ट तो कार है ही सम बस आर ट्रेन तो जब सारा का सारा बस ट्रेन के अंदर है तो सम तो है ही ऑल कार आर ट्रेन वो तो एब्सोल्युटली राइट है ऑल फॉलोज। 38 मिसिंग नंबर का सवाल है 5 4 और 6 से 12 कैसे बनाओ बताओ 5 4 और 6 से 12 कैसे बनाओगे 5 चौके 20 20 छके 120 एक जीरो हटा दो 12 बन जाएगा 6 5 30 30 7 210 by 10 10 5 50 50 8 400 400 में से एक जीरो हटा दो 40 बन जाएगा सही में। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 3 + 3 6 6 + 3 9 अच्छा 3 3 6 1 7 ऐसा तो नहीं चल रहा 6 3 9 दो जगह कुछ कुछ गायब है सेम ही चीज आएगा बोलो क्या आएगा। यहाँ सी का रैंक 3 होता है 6 होता है और 15 होता है तो यहाँ से यहाँ +3 +4 कर दे
तो 6 4 10 10 पर 10 पर क्या आ जाएगा जे, और 10 5 15 हो गया। यहाँ पर क्या लॉजिक है, 7 14 19 यानी कि +3 + 4 7 3 10 10 पर क्या आ जाएगा जे, देखो ना +3 + 4 + 5 तो हर हिसाब से जे ही आंसर आना। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 40। इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 6 8 48 6 2 24 और 4 28 आंसर क्या हो जाएगा 2800। हाँ या ना, 41 में भी आ ही जाओ, 45 क्वेश्चन करते हैं। इस आकृति को पूर्ण करने के लिए कौन सी आकृति उठा के ऐड करनी है, इस आकृति को पूर्ण करने के लिए कौन सी आकृति ऐड करनी होगी बताइए। ये वाला अपूर्ण आकृति है, कौन सा ऐड करने की आकृति पूर्ण हो जाए बोलिए। देखो ना सिंपल तो दिख रहा है, यहां पर अगर एक लड्डू है, यहां लड्डू है, यहां लड्डू है, तो यहां भी तो लड्डू आएगा ही ना, और किसी में है ही नहीं, ज्यादा कुछ देखना ही नहीं था। मैथ टाइमिंग क्या है ये मुझे नहीं पता, मैनेजमेंट से बात कर लो। 42 16 / 2 14 है। अब बोलोगे ये तो पागलों वाली हरकत हो गई, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 होगा, ये तो 14 बता रहा, कुछ तो है। 18 - 3 को 54 बता रहा है, 14 × 2 को 16 बता रहा है, क्या लॉजिक चल रहा है। 96 + 4 को बटे 24 बता रहा है, 18 - 5 + 3 इसको क्या मतलब। तो अब यहाँ से तुमको मतलब निकालना है, 16 और 2 = 14 कैसे बनेगा, यानी कि यहाँ पर माइनस होगा तभी ना 16 - 2 = 14 होगा। मतलब डिवाइड का मतलब ये क्या, माइनस, डिवाइड का मतलब क्या है माइनस, ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या है माइनस। अच्छा 18 × 3 करेंगे तो 54 हो जाएगा, यानी कि माइनस का मतलब क्या है गुना, 14 + 2 करेंगे तो 16 होगा, यानी कि गुना का मतलब क्या है प्लस, और 96 / 4 करेंगे तो 24 होगा, यानी कि प्लस का मतलब क्या है डिवाइड। अब यही सब सिंबल यहाँ ऐड कर दो, तो 18 माइनस का मतलब गुना 5, प्लस का मतलब डिवाइडेड बाई 3, इंटू का मतलब +2 और डिवाइड का मतलब -4। तो 18 × 5/3 +2 - 4 3 6 18 6 5 30 32 32 में से क्या हो गया 32 में से 4 जाएगा तो 28 हो जाएगा ना, माइनस का मतलब गुना हो गया, प्लस का मतलब डिवाइड हो गया, गुना का मतलब प्लस हो गया और डिवाइड का मतलब माइनस हो गया। तो 18 × 5/3 +2 - 4 3 6 18 6 5 30 30 + 2 - 4 32 - 4 28 होना चाहिए, यहाँ पर 24 के जगह में क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, थोड़ा सा ऑप्शन में। अच्छा जाओ क्वेश्चन नंबर 43, बताइए कि इसकी दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेंगे, इस वाले आकृति को अगर हम लोग मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इस वाली आकृति को मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो ये जो राइट साइड में है वो लेफ्ट में आएगा, नीचे तो नहीं जाएगा, इधर तो नहीं रहेगा, अब इसमें और इसमें चुनना है। तो ये देखो ये लाइन ऐसा ऐसा है, इसमें कैसा कैसा कर दिया, आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। चलिए मिसिंग नंबर, यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, क्या आएगा, बटन बनाओ, कौन बनाएगा सर, सवाल थोड़ा क्या लिख दिया अभय सिंह, सर सवाल थोड़ा देरे लगाइए, मतलब आपका आंसर, आपका क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया।
फाइव इंटू सिक्स थर्टी, सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू, थर्टी प्लस थर्टी टू कर देंगे कितना हो जाएगा, वो जो बीच का नंबर है, इक्कीस पचे एक सौ पाँच, उन्नीस दुना अड़तीस, एक सौ पाँच और अड़तीस को ऐड कर देंगे एक सौ तैंतालीस हो जाएगा, सत्रह चौके अड़सठ, इक्यावन तिया तीन एकम तीन, तीन पचे पंद्रह, आठ पाँच तेरह, छः पाँच ग्यारह, एक बारह, एक एक दो, आंसर क्या बन जाएगा, सॉरी आठ तीन ग्यारह, आंसर क्या बन जाएगा, दो सौ इक्कीस। लॉजिक समझ में आ गया, संभवतः यह अंतिम सवाल है, ग्रह पृथ्वी तथा सूर्य के बीच संबंध को दर्शाती है, ग्रह तो पृथ्वी क्या है, ग्रह है, सूर्य अलग हो जाएगा, आंसर क्या बनेगा, सी, हाँ या ना, अगर ये तो प्रैक्टिस बैच है, अगर आपको रीजनिंग डिटेल में पढ़नी है, अगर आपको रीजनिंग पूरा डिटेल में पढ़नी है तो किरण एकेडमी, किरण एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, है ना, किरण एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर रीजनिंग स्पेशल का बैच आपको दिखाई दे रहा होगा, रीजनिंग स्पेशल बैच, ठीक है, आप अगर रीजनिंग डिटेल में पढ़नी है तो आप रीजनिंग स्पेशल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको किरण एकेडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ पर रीजनिंग का फ़ी जो है सिर्फ और सिर्फ 499 में आप रीजनिंग को पूरा डिटेल में कंप्लीट पढ़ सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पर ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे को 12 से 1 में जुड़ जाना है, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल, सब कुछ टेलीग्राम चैनल, ये सेम क्वेश्चन जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, टेलीग्राम चैनल का नाम है रीजनिंग बाई आनंद सर, टेलीग्राम चैनल का नाम है रीजनिंग बाई आनंद सर, तो आप लोग चाहें तो टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाई आनंद सर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार क्लास कैसा लगा ज़रूर सबको कमेंट करिए, क्लास कैसा लगा एक बार ज़रूर सबको कमेंट करिए, फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोक देते हैं। इन्फॉर्मेशन समझ गए, अगर रीजनिंग को डिटेल में पढ़ना है तो रीजनिंग स्पेशल बैच कहाँ से पढ़िएगा, किरण एकेडमी ऐप से, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है तो, अदरवाइज प्रैक्टिस के लिए तो हम लेके आ ही रहे हैं, और उसका फ़ी है सिर्फ और सिर्फ 499 में एकदम बिल्कुल आपको ऑफलाइन वाला फीलिंग आएगा, जो क्लास में यहाँ पर पढ़ाते हैं ना वही चीज़ को लाइव करते हैं, ऑफलाइन हमारा जो क्लास है यहाँ पर जो पढ़ाते हैं वही चीज़ को लाइव करते हैं, इससे दो फायदा होता है, एक फ़ायदा तो ये होता है कि अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि ऑनलाइन में लोग डाउट को उतना क्लियरली पूछ नहीं पाते हैं फीलिंग के साथ, तो जो आपका डाउट है यहाँ पर बच्चा जो बैठा हुआ है उसका भी कोई ना कोई किसी ना किसी का वो डाउट जरूर होगा, तो आप भले ना पूछ पाएंगे यहाँ से जो पूछेगा और उसका जो हम डाउट बताएंगे उससे आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा, तो ये जो बैच है सिर्फ 499 जिसका ऑफलाइन फीस, जो बच्चे यहाँ पर आके पढ़ते हैं ऑफलाइन फीस है 3000 रुपये, और यही चीज़ ऑनलाइन में हम करते हैं सिर्फ कितना 499, और सेम कंटेंट जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं सेम कंटेंट ऑनलाइन में भी जाता है, जरा सा भी इधर उधर नहीं होता, ठीक है, तो रीजनिंग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अगर रीजनिंग स्पेशल बैच को ज्वाइन करना है ऑनलाइन में तो आप किरण अकेडमी ऐप से डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे डेली जरूर जुड़िएगा, खूब मन लगा के पढ़िए, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए इस बार 2022 यूँ वेस्ट मत जाने दीजिएगा, है ना, और अपने कंधे पर 3 स्टार लगा करके अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने गांव मोहल्ले परिवार का नाम रोशन करिए, इन्हीं सभी दुआओं के साथ मैं आपका अपना आनंद कुमार आपसे विदा लेता हूँ, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, एक बार कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा।